स्वागत है आपका होम शेफ डायरी के नए वीडियो में। आज हम बनाएंगे भरला बांगड़ा मतलब स्टफ मैकरेल। पहले मैंने मैकरेल को कट किया, फिर उसे एक चम्मच नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रखा और बाद में फिश को धो लिया। इससे फिश को नमक अंदर तक लगता है। तो चलो अब हम बनाएंगे फिश की स्टफिंग। इसके लिए मिक्सर में मैंने ग्रीन चिली, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, धनिया, नींबू, किसा हुआ नारियल और नमक को सूखा पीस लिया। हमें पानी का यूज नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग पतली हो जाएगी। ये देखो, फिश को इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप ऐसा कट नहीं कर सकते तो आपके फिश सेलर से कट करवा ले। इसमें मेन है पॉकेट बनाना। पॉकेट को अच्छे से डीप कट कर ले या करवा ले। अभी मैं फिश की कोटिंग बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने राइस के आटे में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी फिश को लाल मिर्च पाउडर लगा कर लेते हैं। आप चाहो तो थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी हल्दी पाउडर भी लगा सकते हो। अब हमें स्टफिंग को फिश के पॉकेट में भरना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से स्टफिंग को फिश के अंदर दबाकर भर रही हूँ। इससे स्टफिंग अच्छे से अंदर रहेगा और फ्राइंग के वक्त बाहर नहीं आएगा। स्टफिंग के बाद आपको दोनों हाथों से फिश को हल्के से दबाकर लेना है। इससे फिश की स्टफिंग एक समान हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे आपको हमारे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी हम फिश को मसाला आटे से कोट करते हैं। और जो फिश पर एक्स्ट्रा आटा है उसे हल्के हाथों से झटक कर निकाल लेते हैं। चलो अभी हम फिश को फ्राई करने के लिए पैन में तेल को गरम कर लेंगे। अभी हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अभी हम फिश को तेल में छोड़ते हैं। दो से तीन मिनट बाद एक साइड से हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। अभी हम फिश को पलट लेंगे। दूसरे साइड से भी हमें फिश को मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिश की स्टफ की हुई साइड भी तेल में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। क्या बढ़िया दिख रही है हमारी स्टफ फिश। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।